हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल टाइम लर्नर। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिंपली मुझे एक अपडेट मिला है यहाँ पे वीवो की तरफ से। ये अपडेट हम देख लेते हैं। सिस्टम अपडेट, सिंपली इस पर क्लिक करते हैं। ये मुझे करंट वर्जन मेरा जो है वो EXA 1.71.2, यहाँ पे अपडेट वर्जन वीवो रेव 1.71.3 आ रहा है, जो कि 5.28 MB का है। तो इसको कर लेना चाहिए अब डाउनलोड एंड इंस्टॉल, क्योंकि ये डिवाइस को और भी स्मूथ करता है दोस्तों। तो सिंपली हम इसको जाते हैं और डाउनलोड एंड इंस्टॉल करते हैं। चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये हो रहा है डाउनलोड। तो थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ जब तक ये डाउनलोड होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक जानकारी दी गई है सिस्टम की, इसमें जो हमको जो हम इम्प्रूवमेंट मिलेगा वो है फिक्स द इश्यू वे द सिस्टम ओकेशनली रीस्टार्टेड टू इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी। ओके, अबाउट सिस्टम अपग्रेड यहाँ पे दिया गया है, तो ये आप पढ़ लेना। तो दोस्तों, यहाँ पे 100% हो चुका है इंस्टॉल। तो अभी मेरा डिवाइस ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो रहा है, तो वेट कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो दोस्तों, मेरा डिवाइस ऑन हो गया है अपने आप। देखते हैं क्या इसमें इम्प्रूवमेंट आया है। तो यहाँ पे सिस्टम अपडेटिंग, प्लीज़ डू नॉट परफॉर्म एनी ऑपरेशन। याद रखें, आपके मोबाइल में चार्जिंग अच्छी खासी होनी चाहिए, 50% चार्जिंग होनी चाहिए। दोस्तों, जब भी मैंने ये अपडेट सिस्टम अपडेट किया है, मुझे डिवाइस ने अच्छा सा एक्सपीरियंस दिया है, अच्छा सा परफॉर्मेंस दिया है। तो ये अच्छा है कि आप इसको अपडेट करें। जब भी ये वीवो आपको सेटिंग्स में नोटिफिकेशन देता है, वही वाला आपको करना चाहिए, ना कि जो वेबसाइट में ऊपर की तरफ वीवो की वेबसाइट से जो आता है वो अच्छा नहीं होगा। सेटिंग्स में इसकी जो आता है वो अपडेट करना चाहिए आपको। तो ये हमारा डिवाइस ऑन हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो डिवाइस है वो हो चुका है ऑन। चलिए मैं जल्दी से कोड एंटर कर लेता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या इम्प्रूव हुआ है जब आप इसको यूज़ करेंगे। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलता है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।